हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। 1 जनवरी है व्यूवर्स आज, और आज की डेट में हम देखने वाले हैं कि ये जो साल है व्यूवर्स 2023 आपके लिए, मतलब आपकी क्या मैरिज करवा देगा जिस पर्सन से आप करना चाहते हो, इसमें आपकी मैरिज हो जाएगी, ये जानना चाहते हो अगर आप तो उस रीडिंग को ज़रूर देखना, ठीक है। रीडिंग व्यूवर जनरल है, आप इस रीडिंग को अपने पर्सन का नाम लेके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, ये पिका पाइल रीडिंग होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर आपके सामने ये दो एंजल नंबर के ग्रुप हैं, 888555, है ना। इनके लिए व्यूवर्स मैंने यहाँ पे ये क्रिस्टल भी निकाल के रखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए रोज़ क्वार्ट्ज है, आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर व्यूवर्स ये 7 चक्रा ट्री है, तो काफ़ी खूबसूरत है ये भी, अगर आप इसे देखना चाहेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई थिंक, तो बस ये है यहाँ पे। तो मैंने ये दोनों ही रख दिए हैं, आपको जो भी अपने लिए सुटेबल लगता है, आपको लगता है कि हाँ ये इस पाइल में मेरा आंसर है, तो उसको व्यूवर्स आप जाके देख सकते हैं। टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाइए, क्लिक करके देखिएगा, ठीक है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्यूवर्स यहाँ पर क्या निकल के आता है। सो स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1888 के साथ में स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। सो हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट क्रिस्टल अपने लिए सिलेक्ट किया है या सिलेक्ट किया है व्यूअर्स 888 नंबर एंजल नंबर, सो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए यहाँ पे 2023 में, ओके। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी, आपके रिश्ते की चेक करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके 2023 में आपके रिश्ते में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे क्या, ठीक है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पे करंट एनर्जी इनके रिश्ते की क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं करंट एनर्जी, ओके। वी हैव पेशेंस, ओके। आने वाले समय में देखते हैं ये जो 2023 है इसके अंदर क्या इम्पैक्ट होगा एनर्जी में, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल, प्लीज़ हेल्प करें, ओके। सेकंड चक्रा बॉटम से है, थिंकिंग मैन की एनर्जी, आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखते हैं अभी आपकी सिचुएशन क्या है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, ओके। द किंग ऑफ वैंड्स, वी हैव डेथ एंड द सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड, लवर्स, ओके। Page of Cups, Page of Sword, ओके। बॉटम से है सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल की थोड़ी स्थिति बता दूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना, आपको कोरिलेट करने में। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो, राइट, ये जो पर्सन है, मुझे थोड़े बहुत केसेस में कहूँगी मैं, ये कुछ केसेस में, सारे केसेस में नहीं, लेकिन कुछ केसेस में आपका पर्सन, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कोई मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर ये ऐसा पर्सन है व्यूअर्स जो आपके साथ में बहुत लंबे टाइम से, यानी कि बचपन से हो सकता है, मतलब बचपन की एनर्जी गाइज क्या, जैसे टीनेजर वाली एनर्जी, जैसे कि पहला प्यार होना, राइट। तो कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा मुझे ऐसा नज़र आया कि ये जो पर्सन है आपका, ये अभी फ़िलहाल जैसे कि आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, रिश्ता दूर कर रहा है, रिश्ते में मतलब क्या है, फ़िलहाल एंडिंग चल रही है, ठीक है। या तो ये हो सकता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन, इसका किसी और से रिश्ता फिक्स हो गया होगा, ठीक है, जैसे कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा है इस रिश्ते में,
इस पर्सन से शादी को लेके, ये कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आया। जबकि आप दोनों बहुत प्यार करते हैं दूसरे से, बहुत कुछ है इस रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते में प्यार में ही टेंशन बहुत है। प्यार में ही, अगर आप देखोगे और कार्ड में आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, है ना, प्यार में ही बहुत टेंशन है। प्यार में ही कहीं ना कहीं इंसान फंसा हुआ है। प्यार की वजह से उसके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है, जैसे कहते हैं ना गड़बड़ घोटाला हो जाना। हाँ, थोड़ा वर्ड अजीब लगा होगा, लेकिन हाँ ये सही है। कहीं ना कहीं आपके लिए मैं यही देख पा रही हूँ। ये जो पर्सन है अभी फ़िलहाल, मतलब कहते हैं ना, हर तरह से सिचुएशन में, इसके चारों तरफ जो सिचुएशन है उसमें इसको लीड करना, आपके पर्सन को सिचुएशन को संभालना है। सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना, पूरा दामो दामो क्या बोलते हैं, सिचुएशन की हैंडलिंग, हाँ हिंदी का वर्ड नहीं समझ में आया मुझे, जो इस सिचुएशन की हैंडलिंग है वो आपके पर्सन के हाथ में। और आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रूड हो गया आपसे, बहुत ज़्यादा जैसे कि खिंचा खिंचा सा रहना, रूड हो जाना, किसी बात को लेके एंग्री हो गया है आपका पर्सन आपसे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। जैसे कि कहते ना दूरियां बना रहा है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ दिमाग में इस पर्सन के चल रहा है, मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में ये एंडिंग फिलहाल बहुत ज़्यादा, और आपको भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सिचुएशन से हम इस सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी को कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये आपसे जुड़ा हुआ भी बहुत है, ठीक है। कहते हैं ना बहुत डीप मेमोरीज़ है, बहुत स्वीट सी मेमोरीज़ है, बहुत लंबा अरसा हो गया। आई थिंक मे बी हो सकता है किसी को 6 से 10 साल की एनर्जी हो इसमें, मुझे नज़र आ रही है। मे बी 6 से 10 साल हो चुके हैं, 6 साल तो मिनिमम मुझे यहाँ पे नज़र आ ही रही है। 666 की एनर्जी गाइस काफ़ी है आपके रिलेशनशिप में। अगर देखूँ मैं, 6 नंबर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 666 16 नंबर आपका हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है, 13 नंबर आप या आपके पर्सन का हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर से 10 नंबर एनर्जी है यहाँ पे, जो यही दिखाती है कि हाँ ये रिलेशनशिप में प्यार भी बहुत है, रिश्ता भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन मजबूत होने के बाद में भी, यानी इतना ट्रू लव होने के बाद में भी, ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहा है, वो आपके लिए हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। कहीं ना कहीं वो एक्शन जो आप अपने पर्सन से चाहते हो, ये पर्सन वो एक्शन नहीं कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज की लैकिंग कर रहा है आपका पर्सन। कहीं ना कहीं इसकी अपनी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं ख़राब है, ठीक है। इस पर्सन की अपनी कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ भी बस ऐसी हो गई हैं, जो ये पर्सन आपके लिए चाह के भी आपको वो आपका प्यार आपका साथ नहीं दे पा रहा है। ये आपको ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि आपका पर्सन आपको कहीं ना कहीं वैसे किसी अनदर रीज़न की वजह से, या मनी माइंडेड होने की वजह से, या फिर इसके पास में बहुत कुछ ऐसा होने की वजह से ये आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है ये आपको वैसे तो नहीं धोखा दे रहा है, लेकिन इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ गई हैं करंटली। ये सडन आई है प्रॉब्लम्स, ये सडन अपीयर हुई हैं, और इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे शादी में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना सिचुएशन बड़ी टफ हो गई है। ये पर्सन जितना हैंडल करने की कोशिश कर रहा है हैंडल नहीं कर पा रहा, आप भी जितना हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो नहीं कर पा रहे। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है अपने फ्यूचर को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके, इस रिश्ते को लेके, रिश्ता कहीं टूट ना जाए, फियर फैक्टर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और ये पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपसे हो सकता है किसी बात पर ये पर्सन रूड हुआ है। आप देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र मुझे आया है कि ये जो पर्सन है आपसे किसी बात पे ये बड़ा ही खफा हो गया है आपसे, ठीक है। और मे बी सम केसेस व्यूअर्स ये जो हो सकता है कि आपका पर्सन किसी ऐसे पर्सन से आप प्यार कर रहे हो जो कहीं ना कहीं घर का बड़ा बच्चा है। ये मतलब कहते हैं ना इकलौता होना या फिर घर का बड़ा होना, उस पर सारी जिम्मेदारी होना, तो एक वजह से ये भी व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आया कि ये जैसे कि डिसीजन अकेले नहीं ले सकता, डिसीजन लेना इसके हाथ में नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है जैसे डिसीजन ये नहीं ले पा रहा है। हाँ, बहुत पेशेंसली व्यूअर्स यहाँ पे हैंडल की जा रही सिचुएशन, बहुत बहुत सही तरीके से आपका पर्सन हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये है, आप भी बहुत इंतज़ार कर रहे हो, ये भी पर्सन इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपसे कहीं ना कहीं दोबारा से रीस्टार्ट कर सके, रीस्टैब्लिश कर सके। यहाँ पे स्ट्रेंथ की कमी मुझे नज़र आई है, ठीक है, स्ट्रेंथ की कमी नज़र आ रही है। जैसे कि या तो बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो जाना, ठीक है, ओवर एग्रेसिव होके कहीं ना कहीं कोई बात की गई है, बहुत ज़्यादा जैसे तेह में आके कोई बात बोल दी जाती है, और उस पर उस समय जिस समय बात बोली जाती है ना, उस समय अंदाज़ा नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, लेकिन वो बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। किसी को कहते हैं ना हिट कर जाना, उसके दिल पे वार कर जाना, तो ये कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है जैसे कोई ईगो पे वार हो गया है, कोई बात ऐसी हो गई है व्यूअर्स जिससे कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है, जैसे कि, है ना।
जैसे कि मजबूरी है उसका इस फिलहाल इस कनेक्शन में एंडिंग करना और आपको इस तरह से आपको देख पाना, ये भी व्यूअर्स आपका पर्सन ऐसा नहीं आपको देखना चाहता है, ये नहीं है कि वो आपको आपको अकेला छोड़ देना चाहता है या आपसे दूर हो जाना चाहता है या वो आपको प्यार नहीं करता है, ऐसा तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि देखो सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर, बहुत ही स्वीट्स एक टाइम फ्रेम को यहाँ पर दिखाता है कि बहुत समय आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में गुजारा है, बिताया है, मतलब छोटे छोटे ऐसे हर खुशी को जिया है इस कनेक्शन में, मतलब एक उम्र गुजार दी इस पर्सन के साथ में। वही पर्सन व्यूअर्स आपका भी यहाँ पे है कि आप उसके दिल के बहुत करीब हो। कहते हैं ना प्यार छोटेपन से हो सकता है, किसी फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो और फ्रेंडशिप बढ़ते 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 इतनी नज़दीकियों में बदल गई है कि ना तो आप उसके बिना आप रह सकते हो ना ही आपका पर्सन आपके बिना रह सकता। लेकिन यहाँ पर मजबूरियाँ हैं थोड़ी सी यहाँ पर जो मुझे नज़र आई, जो कि आपकी कहते हैं ना एक समय ऐसा आ गया है जिस वजह से ये जो कनेक्शन अभी पूरा फिलहाल पूरा नहीं हो पाया है। ठीक है, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। देखते हैं यहाँ पे एंडिंग क्यों हुई है आपके रिलेशनशिप में और इन चीज़ों को क्लेरिफाई कर लेती हूँ मैं। क्या है डिवाइन ऐसा प्लीज़ बताएं यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है जिस वजह से ये रिश्ता अभी फिलहाल एंडिंग में चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या हुआ है ऐसा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके टेन ऑफ कप्स, ओके द वर्ल्ड एंड द स्टार टावर मून। ओके तो व्यूवर्स यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे आपका पर्सन जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, सम केसेस व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है ऑलरेडी एंगेज्ड है कहीं पे एंगेज्ड है व्यूवर्स ये पर्सन। और इस वजह से जैसे कि सडन हुआ है आपके पर्सन के साथ में, ऐसा जैसे किसी को या तो कहते ना एंगेज कर दिया गया है किसी पर्सन के साथ में, ठीक है, और इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर टावर मूवमेंट आ गया है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना वो बिन बारिश के ओले पड़ जाना, तो वही यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हुआ है। जैसे यहाँ पे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी जैसे उम्मीद बाकी है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे जैसे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है, चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के बाहर आ सकती हैं। एक ना जो आप बोलते हैं ना मैडम हीलिंग क्या होती है, हीलिंग क्या होती है, हीलिंग होती है जब आप किसी बुरे वक्त से निकल के एक अच्छे वक्त में जा रहे होते हो। जब चीज़ें ख़राब हो चुकी होती है और उसको जब उस पर रिपेयरिंग हो रही होती है ना, रिपेयरिंग वर्क चल रहा होता है, तो उसे हीलिंग कहते हैं। किसी ने पूछा था मुझसे, कई बार पूछ चुके हैं लोग आई थिंक हीलिंग को लेके, तो मैं आपको बता दूं व्यूअर्स यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में मुझे फिलहाल एंडिंग के बाद में हीलिंग वन चलती हुई नज़र आ रही है। ये प्रेजेंट सिचुएशन की ही बात हो रही है, अभी तो फ्यूचर की बात हुई भी नहीं है। यहाँ पर वही देख पा रही हूँ कि एंडिंग के साथ में एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल चल रही है। ठीक है, जैसे समय फिर से चल रहा है, फिर से बदल रहा है, फिर से परिवर्तन आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। जो कहीं ना कहीं चीज़ें रुकी हैं, पॉज हुई हैं, टेंशन देके गई हैं आपको, कहते हैं ना स्ट्रोक देके चले जाना, ट्रोमा हो जाना किसी बात को लेके, वही मुझे यहाँ पे नज़र आया है कि जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है इनसे आप कहीं ना कहीं ओवरकम करेंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर आने वाले समय में आपके लिए ये जो रिश्ता है आपको यहाँ पर इसमें क्या मिलेगा आपको। ये 2023 में आपका ये जीवन साथी बन जाएगा आपका पर्सन, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या ये पर्सन इनका जीवन साथी बन जाएगा 2023 में, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके ओके वी हैव फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, फोर ऑफ पेंटिकल हमारे पास है एंड थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से हमारे पास है टेन ऑफ वैंड्स एंड डेथ की एनर्जी। ओ माई गॉड व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको देखो बता दूँ, देखो यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको देखो बताना चाहूँगी, यहाँ पे बॉटम से हमारे पास ये है और यहाँ पे देखो फिर से इसके नीचे स्टार है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिखा रही है व्यूअर्स कि देखो सिचुएशन तो आने वाले ये जो 2023 है आपके लिए नो डाउट ये थोड़ा टफ रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना इस टफ टाइम से भी कहीं ना कहीं आप लोग निकल जाओगे, ओवरकम कर जाओगे, ये भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ टफ तो बहुत रहने वाला है। ये जो टेन ऑफ सोर्ड डेथ की एनर्जी दिखाती है ना, बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ टाइम को दिखाती है, ये दिखाती है कि सिचुएशन आपकी अंडर कंट्रोल नहीं होगी, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो इसमें कंट्रोल आएगा वो बाय नेचर आएगा, जैसे ये डिवाइन का सर्किल जो चेंज होगा, डिवाइन जो लेके आएंगी सिचुएशन में ओवरकम करवाएंगी आपको वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूअर्स कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि हाँ कुछ नेगेटिव भी आपके लिए है, मे बी हो सकता है ये चीज़ें पॉसिबल ना हो पाएँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी यहाँ पे है मैसेज कि हाँ जितना भी टफ टाइम क्यों ना हो लेकिन आप इनसे निकल के ओवरकम जरूर करोगे और आप इस पर्सन से मिल पाओगे।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स फिर 3 ऑफ कप्स, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि एक नेगेटिव टाइम से निकल के पॉजिटिव में आना, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाना, एक खुशी आपको मिल जाना। यहाँ पे व्यूअर्स 4 ऑफ कप पेंटिकल है, यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, यहाँ पे भी कहते हैं एक नई अप्रोच के साथ में ही आगे बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं जैसा आप चाहते हो सिचुएशन आई थिंक वैसी नहीं हो पाएगी, जिस तरह से आप डील कर रहे हो सिचुएशन को, आप सोच रहे हो कि एकदम ही सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, एकदम ही सब चीज़ें मेरे हाथ में आ जाएँ, ये एकदम से मेरी शादी हो जाए इस पर्सन से, तो वो तो मुश्किल है व्यूअर्स। यहाँ पे देखो क्लियर कट बता रही हूँ, तो जैसा भी है मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा, यूनिवर्स का खेल। ओके, सप्रेशन, साइलेंस एंड द पास्ट सक्सेस। यहाँ पे व्यूअर्स देखो, आपके लिए यहाँ पे है तो सही शादी वगैरह, लेकिन क्या है व्यूअर्स, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये बहुत टफ एंड रफ एंड टफ टाइम रहेगा, बहुत ही रफ एंड टफ, ठीक है। बहुत ये कहो कि लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं, फाइट करनी पड़ रही है खुद के भाग्य के साथ में, ठीक है। कहते हैं ना भाग्य खेल खेल रहा है यहाँ पे, मैं आपको वही बता रही हूँ कि यहाँ पे भाग्य का बहुत बड़ा हाथ है, चक्र खेलना जा रहा है आपके साथ में, फिर तभी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तभी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, तभी इन खुशियों को अचीव कर पाओगे, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही है, पेशेंसली बनाए रखें ना, टेंशन वेंशन थोड़ा सा ही है ना, कभी कभी चीज़ें यूनिवर्स के हाथों में सरेंडर करना बेहतर रहता है। जैसा आप चाहते हो सिचुएशन हमेशा वैसी नहीं निकल के आती है, लेकिन हाँ उसका रूप स्वरूप थोड़ा अलग होता है, लेकिन हाँ एंड द एंड कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, वही व्यूअर्स यहाँ पे कि अंत भला तो सब भला आपके लिए हो जाएगा और आपको खुशियाँ आपकी मिल जाएंगी, लेकिन बहुत कहते हैं ना टेंशन लेने के बाद में। तो टेंशन लेने के लिए अगर तैयार हो तो भाई बांध लो कमर, कस लो अपनी, और फिर आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तो बहुत ही कहते हैं ना हिम्मत मत हारना। बस देखते हैं यहाँ पे लकी चार्म आपके लिए क्या कहते हैं। ओके प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए फ्यूचर में क्या रहेगा। ओके ओके वी हैव सैंडल। अब सैंडल यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सैंडल जो हमारे यहाँ होती है ना, जब किसी की गोद भराई वगैरह होती है तो सारा सामान जाता है, उसमें सैंडल भी जाती है दुल्हन की, या जूते उते कहते हैं ना जब शादी होती है तो लड़के के जूते चुराई होता है, तो ये गुड साइन है सैंडल भी मिलना, ठीक है, ये बहुत अच्छा साइन होता है। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि हाँ देखो यहाँ पे यही है कि बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आप एक कदम आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हो और कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पे है कि एक अच्छा ही सिल्वर, एक दिस इज़ अ गुड साइन ऑल्सो। यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे देखो हीलिंग भी यहाँ पे माता रानी के थ्रू है, यहाँ पे ये फीमेल एनर्जी है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है आपको, फीमेल आस्पेक्ट आपके अंदर कहीं ना कहीं ज़्यादा भी रहेगा तो मेनटेन करना। और व्यूअर्स देखो यहाँ पे क्या है, ये है म्यूज़िक। म्यूज़िक कब होता है, कहीं ना कहीं जब सक्सेस होती है, कोई सेलिब्रेशन होता है, अब न्यू ईयर है, हर कोई म्यूज़िक चला रहा है अपने घर में, पार्टी वार्टी कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, तो एक म्यूज़िक इज़ ऑल्सो ए गुड साइन कि आपको ये खुशियाँ आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, लेकिन वही है थोड़ा रफ एंड टफ टाइम देख के यूनिवर्स पर प्रे कहते हैं ना विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी भक्ति से आपको ये कनेक्शन मिलेगा, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल है व्यूअर्स। यहाँ पे देखो जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कोई लगी लिपटी बात मैं करती नहीं, जो होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रे करो, कहते हैं ना उन्हीं में बड़ी पावर होती है जो कहीं ना कहीं सिचुएशन को भी बदल देती है, राइट, है ना। तो फेथ रखो जिस पे डिवाइन पे आपका फेथ है, और सब चीज़ें कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट आपकी हो जाएंगी। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग पाइल नंबर 1 आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर सर, गॉड ब्लेस व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय। हेलो वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी 555 या इस ट्री को अपने लिए सिलेक्ट किया है व्यूअर्स, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या निकल के आता है। ओके तो मैं यहाँ पे इसको रख लेती हूँ। सबसे पहले हम आपके रिश्ते की अभी करंट एनर्जी देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या इम्पैक्ट है आपके रिश्ते के ऊपर। ओके, क्योंकि थोड़ा सा देखना भी ज़रूरी होता है कि एक्चुअली में सब चीज़ें सही हैं या फिर किस हद तक ख़राब हुई हैं, ठीक है, या फिर क्या ब्लॉकेजेस हैं, ये देखना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते की क्या है, प्लीज़ वो बताएँ। ओके वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फर्स्ट एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे हमारे पास। देखते हैं 2023 में आपके रिश्ते पे क्या एनर्जी इम्पैक्ट हो रहा है और ये रिश्ता आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं एनर्जी 2023 की आपके रिश्ते के लिए क्या रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके वी हैव द 6th chakra बॉटम से हमारे पास है अप्रिसिएशन की एनर्जी। ओके चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है।
प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्रेजेंट में मेरे व्यूवर्स के इस रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, वी हैव एम्परर, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड, ओके, नाइन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल, फूल, टेन ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में आपका पर्सन बिल्कुल चुप है, शॉर्ट हो गया है, कोई नॉट टॉकिंग, कोई एक्सप्रेशन, कोई बताना नहीं। बॉटम से यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि बड़ा शांत है आपका पर्सन, बहुत कुछ चल रहा है उसके माइंड में, बहुत कुछ मैनेज करना चाह रहा है, सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहा है। और कहते हैं ना, इस समय आपको ऐसा फील होता होगा कि यार इसके माइंड में क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता चलता, कभी कोई ढंग से बात नहीं करता या करती, सिचुएशन को क्लियर नहीं करती, ठीक है, कोई भी क्लैरिटी नहीं देती है ना देता है ये पर्सन। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं ये जो समय चल रहा है, ये एक ऐसा समय है जिसको आपके पर्सन बहुत ही शांत तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी आके खड़ी हो गई हैं जिन्होंने बाउंड्रीज, कहते हैं ना, सीमाएं तय कर दी हैं इस रिलेशनशिप में, सीमाएं तय हो जाना, और बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर इस रिश्ते का। इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ जैसे कि ये जो रिश्ता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, जबकि इसमें प्यार भी है, इसमें अपनापन भी है, आपका पर्सन भी आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ में रिश्ता बनाना भी चाहता है, ठीक है, वो रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहता है, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समय चल रहा है जो यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्ड की एनर्जी ना टू ऑफ पेंटिकल के साथ में वो यही दिखा रही है कि इंसान परेशानियों में फंसा हुआ है, उसके आसपास हर समय मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी खड़ी होती रहती है, कहते हैं ना अननेसेसरी ट्रबल आ जाना, वो मैनेज करने की, अपने आप को संभालने की, इस रिश्ते को संभालने की बहुत ही कोशिश कर रहा है या कर रही है। नो डाउट ये पर्सन हैंडलिंग, मतलब हैंडलिंग क्या होती है ना, मतलब चीज़ें अच्छे से संभाल पाना, सिचुएशन को संभाल पाना, मतलब सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करना, है ना, तो वो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे आपके रिश्ते में फिलहाल आपका पर्सन जो है वो फिर से जैसे कि न्यू बिगनिंग करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ में, न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है आपका पर्सन। जर्नी क्या होती है, जैसे कि कहते हैं दो जब लोग आपस में बनते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो एक ऐसा समय कहीं ना कहीं साथ में लेके चलते हैं जिसमें दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, साथ देते हैं, एक दूसरे का कहते हैं सपोर्ट करते हैं। तो वही मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, आपका पर्सन कहीं ना कहीं यही चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को कहीं ना कहीं संभालो, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी ट्रू रखो, और न्यू बिगनिंग आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में इस समय फ़िलहाल बहुत ही जैसे कि मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता, कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन का ये रिश्ता इस समय थोड़ा परेशानियों से घिर गया है। आप हो सकते हैं व्यूअर्स आप भी कहीं ना कहीं परेशानियों में ही चल रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियाँ हैं, आप ही हर समय सोचते रहते हो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है, जैसे कि बहुत ही एज पे आके कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब हुई हैं, कहते ना किनारे पे आके ही नैया डूबी है, हाँ वही है यहाँ पे। लेकिन ये फिर भी व्यूअर्स आपका पर्सन यहाँ पे मुझे कोशिशों में लगा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ही वो कोशिश कर रहा है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की। देखते हैं यहाँ पे क्या है इन फ्यूचर, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इन फ्यूचर क्या है यहाँ पे 2023 में रिश्ता क्या रहेगा इसमें। ओके, वी हैव टू ऑफ पेंटिकल अगेन, ओके, एट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ सोर्ड, रिश्ता, ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि यस आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपका, ये जो रिश्ता है आपका, कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेना व्यूअर्स आपके पर्सन के लिए, संभालना इस रिश्ते को, कहीं ना कहीं क्लैरिटी लेके आना, जैसे कि बहुत थोड़ा टाइम लगेगा इस रिश्ते में कहीं ना कहीं आगे मूवमेंट होने में, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपका पर्सन जैसे किसी किसी आउटकम का
किसी रिजल्ट का या किसी डिसीजन का किसी की तरफ से आने का, राइट, वेट वेट कर रहा है, जैसे कोई क्लैरिटी आए इसकी तरफ, कुछ चीज़ें जैसे कि रुकी हुई हैं, स्टक हैं, कोई पॉज है, किसी ने होल्ड करा हुआ है। तो मैं ये देख पा रही हूँ जैसे कि आपके पर्सन को सिर्फ इंतज़ार है, और वो इंतज़ार जैसे ही ख़त्म होगा आपके पर्सन का, आपका पर्सन आपके लिए अप्रोच दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है व्यूवर्स, ये आपके साथ में न्यू बिगनिंग करने को पूरी तरह से तैयार है 2023 के अंदर, ठीक है। नहीं, सक्सेस चाहता है इस कनेक्शन में, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, नई शुरुआत चाहता है आपका पर्सन। यहाँ पे ये वही नज़र आ रहा है जैसे कि बस संभालने की कोशिश कर रहा है, आपको भी, आपके इस रिश्ते को भी, खुद को भी, सिचुएशन को भी, बस हर तरह से दिख रहे हैं दोनों हाथ बिजी हैं इस इंसान के। बहुत ही समझदारी से पर्सन कहीं ना कहीं हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी समझदारी खुद इसके काम नहीं आ रही है, ठीक है। एक यहाँ पे कार्ड अनफोल्ड हुआ था हमारे पास, रिपनेस, ओके, फिर से 999 नंबर व्यूवर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं 2023 में ये रिश्ता इनका पक्का हो जाएगा, शादी हो जाएगी इस पर्सन से इनकी, प्लीज़ बताएं। ओके, इनर वॉइस, आउटसाइडर एंड द क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो यहाँ पे रिपनेस दिखाता है कि देखो सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो इस पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो, आप इसको कह रहे हो ना कि मैं इसे भूल नहीं सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहा है, या फिर समवेयर मतलब मैं इसकी यादों से निकल नहीं पा रही हूँ, बहुत स्ट्रेस है मुझे, मैं इस पर्सन के साथ में बहुत समय बिता चुकी हूँ या बिता चुका हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कहने व्यूअर्स ये सिचुएशन दिखाई दे रही कि हाँ ये सिचुएशन से आप लोग ओवरकम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कहते ना हाँ, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे अच्छा आउटकम आपके पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा। तो ये गाइस यहाँ पे मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं व्यूअर्स आपके लिए क्या रहेगा, ठीक है, 2023 में ये रिश्ता आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओके ओके, घोड़ा, घोड़ा इज अ गुड साइन व्यूअर्स, यहाँ पे है, कहते ना बारात में घोड़ा यूज़ किया जाता है, तो दिस इज़ अ गुड साइन। मोर है यहाँ पे, ऑल्सो दिस इज़ अ साइन ऑफ प्रॉस्पैरिटी, अबंडेंस, लव का है व्यूअर्स यहाँ पे, हुक हो रहे हो दोनों दिल एक दूसरे के साथ में मिल रहे हो, तो ये रिश्ता व्यूअर्स आपको मिल जाएगा, नो डाउट यहाँ पे है एनर्जी। और यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, सही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे बदलाव आएंगे, सो थोड़ा सा कहते ना पेशेंस रखना होगा, आपके पर्सन भी पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सब्र रखो। कहते ना यहाँ पे देखो वही है, सब्र का फल मैंने बोला है, तो थोड़ा सब्र रखोगे, थोड़ा अपने आप को हील रखोगे, पॉजिटिव रखोगे, कहते ना पॉजिटिव थिंकिंग बहुत कुछ अपने आप ही ऑटोमेटिकली कई सारी परेशानी को निकाल के बाहर फेंक देती है। तो पॉजिटिव रहो, बहुत जल्दी आपको आउटकम देखने को मिलेंगे, और ये दिल से दिल का मामला है, तो टूटना नहीं है, जुड़ना ही जुड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स यही है, थोड़ा सा इस पर्सन को टाइम चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, ताकि ये इसको जैसे जिसने मतलब आपकी तरफ आने से रोका हुआ है ना, जैसे किसी ने रोका है इस पर्सन को आपकी तरफ आने से, तो ये जो ब्लॉकेजेस है बहुत जल्दी रिमूव होने वाले हैं, और ये पर्सन व्यूअर्स आपके बिना नहीं रह पाएगा। यहाँ पे वही है ना, पास्ट की एनर्जी क्या है, लव एनर्जी से ये पर्सन ओवरकम नहीं कर पाएगा, नहीं आप कर पाओगे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में यहाँ पे मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।